और एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने ये रिमोट से मैंने ऑन करके रखा है, ये ऑन करके रखा है, फैन भी ऑन करके रखा है, किसी ने अगर उस टाइम में बटन दबा दिया ना तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये हमारा ये बल्ब चालू हो गया, ये हमने ये बल्ब चालू कर लिया और इसी रिमोट से हमने फैन चालू कर लिया। हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल में, आपका अपना इलेक्ट्रिशियन। जैसा कि आपने थंबनेल देखा और स्टार्टिंग में जो हमने वीडियो आपको दिखलाया, इसमें यही है कि हमारे किसी भी फैन नॉर्मल लाइट किसी को भी हम रिमोट के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। काफ़ी मार्केट में सेंसर मिलती है तो हमने भी एक सेंसर मंगाया, रिमोट कंट्रोल किट, और उसे यूज़ किया। यूज़ करने का अब मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो नॉर्मल लाइट, नॉर्मल फैन, किसी भी लाइट फैन को आप रिमोट कंट्रोल से खुद से अब इसका कनेक्शन कर सकते हो, काफ़ी आसान है। मैं आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से पूरा बताऊँगा कैसे क्या करना है। अगर इन्वर्टर लाइन लगी हुई है तो भी आप इसे लगा सकते हो, इन्वर्टर नहीं है तो बिल्कुल आसानी से लग सकती है। स्विच बोर्ड में वो कैसे फिक्स होगा पूरी जानकारी, अगर हमने रिमोट कंट्रोल को लगाना है तो स्विच बोर्ड के अंदर ही हमें छुपाना है तो वो कैसे छुपेगा, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ए टू जेड जानकारी आपको इसी में मिलेगी। वीडियो को स्किप मत करना, मिस मत करना, नहीं तो कुछ भी जानकारी आपको छूट सकती है, फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी। अभी जो ये हमारा सेटअप है ये अभी लाइट पे है, अभी इसमें रिमोट कंट्रोल नहीं लगा हुआ है। तो पहले मैं आपको लाइट पे सब कुछ ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये हो गई हमारी एक लाइट, ये हो गई हमारी दूसरी लाइट और ये हो गई हमारी फैन। तो अब हमें क्या करना है, इसमें लगाना है रिमोट कंट्रोल स्विच। तो हमने रिमोट कंट्रोल स्विच कहाँ से लिया है, तो हमने अमेजोन से रिमोट कंट्रोल स्विच परचेज किया है। ये हो गया हमारा रिमोट कंट्रोल स्विच, इसे कैसे परचेज करना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये हो गया इसका रिमोट, ये हो गया हमारा रिमोट कंट्रोल स्विच। इसे हम कहाँ लगाएंगे, जिसे हम स्विच बोर्ड के अंदर बिठाएंगे। तो स्विच बोर्ड के अंदर बिठाने में काफ़ी तकलीफ आती है, तो उसे किस तरह से बिठाना है, क्या करके रखना है कि हमें स्विच बोर्ड में ये आसानी से लग जाए, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। अगर आपके घर में इन्वर्टर लाइन लगा हुआ है तो किस तरह से कनेक्शन करना है, इन्वर्टर नहीं है तब तो फिर बिल्कुल आसान है, इन्वर्टर लाइन अगर लगा है तो कुछ सावधानी आपको देना पड़ेगा। चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं, कैमरे को हम लाते हैं स्विच बोर्ड के नज़दीक में और इसे हम किस तरह से कनेक्शन करते हैं वो अब मैं आपको बता रहा हूं। काफ़ी आसान है, बिल्कुल आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आसानी से ये सेटअप हो जाएगी। केवल आप एक ये ध्यान देना कि अगर स्विच बोर्ड में सारे सॉकेट स्विच लगे हुए हैं तो ये थोड़ा बिठाने में तकलीफ देगा, तो आप कोशिश हमेशा ऐसा रखना कि स्विच बोर्ड में कोई दो स्विच खाली हो, जिसके जगह पे दो डमी हुई लगी हुई रहे ब्लैंक प्लेट, तो उस जगह पे ये आराम से ऐसा बैठ जाता है। अगर सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं स्विच सॉकेट तो ये बिठाने में, कोई कोई स्विच का ज़्यादा लंबा रहता है पीछे साइड से तो वो उस समय में ये फिर नहीं बैठ पाएगा, लेकिन अगर आपके स्विच बोर्ड में दो डमी लगी हुई है तो बिल्कुल आसानी से वो बैठ जाएगा। चलिए अब पहले इस स्विच बोर्ड को हम ओपन करके ले लेते हैं। सारा स्क्रू खुला ही हुआ है, केवल हमने एक स्क्रू पे इसे फंसा के रखा है, ये हमने इसे ओपन कर लिया। स्विच बोर्ड का कुछ भी कनेक्शन चेंज हमें नहीं करना है। ये आप देख सकते हो स्विच में नीचे के साइड में एक लूपिंग की हुई रहती है फेस की वायर और एक न्यूट्रल की वायर आई रहती है जो हमारी रहती है सॉकेट में। बस ये फेस न्यूट्रल हमें देखना है कि मेन कहाँ पे कनेक्ट है, बाकी सारा कनेक्शन वैसे ही रहेगा। अब आते हैं थोड़ा हम अपने इस रिमोट कंट्रोल सेंसर के ऊपर। तो एक देख सकते हैं आप, एक साइड से ये तीन वायर आई रहती है, एक लाल कलर की वायर है और दो ब्लैक कलर की वायर है, ये हमारी इनकमिंग हो गई। एक साइड से हमारी चार वायर आउट हो रही है, इससे हम चार इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं, एक फैन और तीन लाइट को हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब इसका कनेक्शन करना है तो हमें फेस न्यूट्रल यूज़ करना है, दो ही वायर यूज़ करना है, यहाँ पे तीन वायर है तो ये हो गया हमारा लाल वाला फेस वायर और ये दो ब्लैक है, तो दोनों में से हम किसी एक को भी यूज़ में ले सकते हैं, किसी एक वायर को भी हम यूज़ में ले सकते हैं दोनों में से। तो हम एक वायर ये पकड़ लेते हैं और इस दो वायर को पहले हमें स्विच बोर्ड में जहाँ पे मेन सप्लाई आ रही है वहाँ पे कनेक्ट करना है, बाकी ये चारों वायर को कहाँ कनेक्ट करना है बिल्कुल आसानी से कनेक्ट हो जाएगा, कोई भी आसानी से कर सकता है, कुछ भी वायर को फिर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले हम इस मेन वायर को कनेक्ट कर। तो हम क्या करेंगे, स्विच में आप देख सकते हैं जो हमारी मेन वायर है, जो ये फेस की वायर है वो इस जगह पर बीच में आई हुई है, ये ऐसा लूप है, ये ऐसा लूप है, तो हम इसे कहीं पर भी इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने इसे जो स्विच बोर्ड में मेन सप्लाई आई हुई है फेस की, वहाँ पे हमने इस रिमोट कंट्रोल का फेस का वायर कनेक्ट कर दिया।
न्यूट्रल दोनों में से हम कोई भी एक ले सकते हैं, एक को टेप मार देंगे, एक को यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक बार ये छिला हुआ इसको न्यूट्रल में यूज़ करेंगे। न्यूट्रल हमारे स्विच बोर्ड में आई हुई है डायरेक्ट, ये सॉकेट में कनेक्ट है, तो हम इसमें यहाँ से न्यूट्रल ले लेते हैं। ये देख सकते हैं सेंसर का फेस कनेक्ट हो गया, न्यूट्रल कनेक्ट हो गया, न्यूट्रल की एक वायर बची हुई है, इसमें हम टेप मार लेंगे। ये हो गया। अब हमें इस बोर्ड में ऑलरेडी तीन ही लाइट, दो ही लाइट और एक फैन का है, तो एक वायर मेरा बच जाएगा। चार चीज़ हम यूज़ कर सकते, तो एक वायर मेरा बच जाएगा, तो हम एक सेंसर को यूज़, एक स्विच मेरा खाली रहेगा, तो एक हम टेप मार लेते हैं। अगर आपके पास चार चीज़ चलाने के लिए है, तीन लाइट एक फ़ैन, या दो फैन दो लाइट है, तो आप उसको इस पर भी चला सकते हैं। ये परचेज़ करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। अब हो गई ये हमारे तीन चीज़। अब इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। जहाँ पे पंखा का वायर कनेक्ट है वहाँ पे हम पंखे के एक वायर जोड़ देंगे, जहाँ पे बल्ब का वायर कनेक्ट है वहाँ पे ये जोड़ देंगे, जहाँ पे दूसरे बल्ब का वायर कनेक्ट है, कैसा मैं बताता हूँ मैं आपको। ये हो गया हमारा फैन, फैन का रेगुलेटर यहाँ पे इस स्विच से चल रहा है, फ़ैन हमारा इस स्विच से चल रहा है, तो हम एक वायर कोई भी लेंगे वो इस जगह पे हम कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमें फ़ैन चालू हो जाएगा रिमोट पे। तो हम लेते हैं ये पहली वायर को, हमें फ़ैन के जगह पे जिससे जिस बटन से फ़ैन चालू हो रहा है उसी बटन के आउट में जोड़ देना, कुछ भी अलग से छेड़खानी इसमें नहीं करना है। ये देखिए सिंपल है, इसको हम इसमें जोड़ देंगे, अलग से कुछ भी हमें इसके लिए वायरिंग नहीं करनी है, उसी वायर में जोड़ देना, कुछ भी निकालना नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये जोड़ दिया, ये फ़ैन हमारा चलेगा। अब बल्ब हमारा चलता है इस बटन पे, तो इस बटन पे बल्ब का वायर यहाँ जुड़ा हुआ था, इसी में हम सेंसर का भी वायर एक जोड़ देंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सेंसर का वायर भी हम इसी बल्ब में, जो बल्ब का वायर है ऑफ, उसी के साथ हम ये बल्ब की वायर जोड़ देंगे। अलग से कुछ भी स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। केवल जहाँ पे इन्वर्टर वायरिंग रहेगा वहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतना है, वो भी मैं आपको बतला देता हूँ क्या सावधानी बरतना है। ये लीजिए हमारा ये बल्ब भी, इस ये भी ऑपरेट हो गया। अब बच गया एक वायर और हमारा एक बल्ब भी बचा हुआ है, तो हम ये एक बटन से हमारा एक बल्ब जल रहा है, तो हम इस बटन में हमारा ये वायर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हम ये वायर भी जोड़ देते हैं और हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। ये हो गया हमारा वायरिंग कंप्लीट। केवल ध्यान क्या देना रहता है, जैसा इन्वर्टर की लाइन, अगर एक ही बोर्ड में इन्वर्टर की लाइन आई हुई, तो हमें क्या ध्यान देना है कि जो इन्वर्टर का सप्लाई एक जगह ऐसा लूप हो के, जैसा तीन स्विच इन्वर्टर पे चल रहा है, एक दो तीन स्विच इन्वर्टर पे चल रहा है, एक स्विच लाइट पे चल रहा है, तो हमें जैसा इन्वर्टर से इन्वर्टर की लाइन को ऑपरेट करना है रिमोट से, तो इस सेंसर का सप्लाई भी हम इन्वर्टर से ही लेंगे, और केवल इन्वर्टर पे जो चल रहा है उसी के आउट में हम ये जोड़ेंगे। कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, समझने में कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो। मैं अभी स्विच बोर्ड को अब स्विच बोर्ड में ये रखेंगे ना तो ये बंद नहीं होगा, क्योंकि मेरा स्विच जो है ना वो है थोड़ा, स्विच सब जो है निकला हुआ है ज़्यादा, तो ये बंद नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप दो डमी अगर आपके स्विच बोर्ड में रहेगी तो काफ़ी आसानी से ये बंद हो जाएगा। चलिए पहले मैं आपको एक कैमरा पीछे करने से पहले मैं आपको ये सेटअप में एक बार बल्ब ऑन ऑफ करके रिमोट से दिखला देता हूँ, क्योंकि कैमरा अगर डायरेक्ट पीछे लूँगा या फिर कट करके आगे लाऊँगा तो किन्हीं लोगों को लगेगा कि ये ऐसे ही चालू बंद कर दिए, कट करके कुछ अलग कर दिए। ये देखिए ये हमारा बटन पहले मैं बंद करता हूँ, अब इसे रिमोट से चालू करता हूँ, देखता किस रिमोट पर। ये देखिए इसी रिमोट से ये ऑन ऑफ, सी नंबर से ये ऑपरेट हो गया। ये अब दूसरी बात, ये जैसा बल्ब ऑन भी हो गया ना, ये ऑन ऑफ आपको मालूम पड़ रहा होगा, मैं पीछे से भी आपको दिखलाता हूँ, ऑन में अगर बटन चालू भी हो गया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। अब मैं आपको कैमरा पीछे करके आपको रिमोट से सब कुछ ऑन ऑफ करके, ये हमारा पूरा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आपको बता दूं कि ये स्विच बोर्ड के अंदर इसे बिठाना थोड़ा तकलीफ देता है। ये एक साइड जो आप ये वायर देख रहे हो ये सेंसर का वायर है, तो ये बोर्ड से बाहर हम इस तरह से निकाल लेंगे बोर्ड के बाहर, और इसे हम इस तरह से बंद करते हैं। कभी भी अगर स्विच बोर्ड, अगर आपको रिमोट कंट्रोल स्विच बोर्ड के अंदर बिठाना, तो आप कोशिश करना कि स्विच बोर्ड में दो डमी रहे, तो आपके स्विच बोर्ड में ये बिल्कुल आसानी से फिट हो जाएगी। अब हमें इसे ऑन करके आपको दिखलाता हूँ। पहले मैं इसे ऊपर हाथ पे ले लेता हूँ, ये हम इसे हाथ पे ले लेते हैं। ये देखिए ये बटन से भी ऑपरेट हो रहा है, बटन से भी ऑपरेट हो रहा है, और ये देखिए तीनों बटन से भी ऑपरेट हो गया, तीनों को हमने बंद किया। अब हम इसे रिमोट से ऑपरेट करेंगे,
तो ये देख सकते हैं, ये बंद हो जा भाई। हाँ, ये ए से हमने फैन दिया है, ये फैन बंद किया। बी से हमने ये बल्ब दिया है, ये बंद हो गया। सी से हमने ये बल्ब दिया है, तीनों चीज़ हमारा। और इसी में बता देता हूँ, जैसा मैंने ये रिमोट से मैंने ऑन करके रखा है, ये ऑन करके रखा है, फैन भी ऑन करके रखा है, किसी ने अगर उस टाइम में बटन दबा दिया ना तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हमें जब रिमोट से ऑपरेट करना है तो रिमोट से ऑपरेट करेंगे, बटन से ऑपरेट करना है तो हम बटन से ऑपरेट करेंगे। और ये मास्टर स्विच है, मास्टर स्विच मतलब कैसा है, अगर हम ऑफ बटन दबाते हैं तो रिमोट से चलने वाले सारे चीज़ बंद हो जाएंगे, अगर ये मास्टर ऑन हम दबाते हैं तो रिमोट से चलने वाले सारे चीज़ एक ही बार में चालू। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को समझने में अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करो, इसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर दूंगा। हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।